ज़्यादा लिया जा रहा है उसको चार्ट लिस्ट टांग दीजिए, ताकि लोगों को एक निश्चित भाड़ा रहे, पता चले कि कहाँ से कितना भाड़ा है। तो उसके लिए हम लोग पहले आदेश दे चुके हैं। इस तरह की कोई बात आती है सामने तो उसका हम लोग उस पर सजा देते हैं, परमिट भी उसका रद्द करना। कई बहुत बस के साथ ऐसा कार्रवाई भी करते हैं, उसका परमिट तक रद्द करवाते हैं। कि जो ये बसें था डीजल पेट्रोल वाली, उसको भी हम लोगों ने हटवा दिया। उसके लिए जो बस नया खरीदेंगे उसके लिए 7.5 लाख तक की राशि हम लोगों ने मदद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। वाहनों से बढ़ती प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर आज मीडिया से बातचीत की। तो आइए जानते हैं किस दौरान परिवहन मंत्री ने क्या कुछ कहा है। आप इससे पहले भी हमने खबर किया था, सेक्रेटरी को बोले कि नहीं सबसे पहले आप देखवाइए कि जहां भाड़ा ज़्यादा लिया जा रहा है उसको चार्ट लिस्ट टांग दीजिए, ताकि लोगों को एक निश्चित भाड़ा रहे, पता चले कि कहाँ से कितना भाड़ा है। तो उसके लिए हम लोग पहले आदेश दे चुके हैं, लेकिन कहीं बस वाला मानता नहीं है। नहीं देखिए, वो ऐसा नहीं है कि नहीं मानता, अगर उस तरह का कोई कंप्लेन है तो आप हमको बताइए, हम उस पर एक्शन लेंगे। हम लोग खुद गए हैं, होता भी है ऐसा नहीं है। ऐसा आपको बता दें, जहाँ अगर इस तरह की कोई बात आती है सामने तो उसका हम लोग उस पर सजा देते हैं, परमिट भी उसका रद्द करवा। कई बहुत बस के साथ ऐसा हुआ है, तो अगर उस तरह की बात है तो आप हमको दे दीजिए। जो गड़बड़ करते हैं तो कार्रवाई भी करते हैं, कार्रवाई करते हैं उस पर, कार्रवाई भी करते हैं, उसका परमिट तक रद्द करवाते हैं। उसके लिए आम पब्लिक क्या शिकायत करे, किस पर शिकायत, कहाँ जाकर शिकायत? देखिए, कहाँ जाके शिकायत करें, जहाँ तक बात है आप जानते हैं पार्टी ऑफिस में आज के दिन हम लोग बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ भी आप आ सकते हैं। उसके अलावा सभी जिलों में DTO कार्यालय बना हुआ है, आम जनता के लिए ही बना है, आप वहाँ जा कर के अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आते नहीं, हमारे पास भी कई लोग आते हैं, कई तरह की बातें, तो समस्याओं का समाधान होता है। क्या सुविधा दी गई? देखिए, महिलाओं के लिए पहले ही हम लोगों ने 65% आरक्षित सीट रखा है, और जो बसें हैं सभी बसों में उनके लिए सीट आरक्षित की है। तो महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, सभी के लिए एक जगह से, जो ये सैनिक लोग हैं उनके लिए, जो संत सेनानी हैं उनके लिए भी, सब लोगों के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि परिवहन विभाग भी जिस चीज़ की डिमांड होता है, जो ज़रूरत महसूस होता है, उसको हम लोग भी करने का प्रयास करते हैं। देखिए, वो सभी के लिए है, सरकारी वाहन हो या प्राइवेट वाहन हो, दो चाहिए चार चक्का वाला हो, 10 चक्का वाला हो, या तो सभी वाहनों के लिए है। जो भी पुराना, आप जानते हैं कि पुराने जो 15 साल पुरानी गाड़ी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा ये करता है, वातावरण को भी प्रदूषण करता है, और उसके अलावा एक्सीडेंट में भी उसका बहुत खराब, बार बार ख़राब होता है। तो ये सब चीज़ को अगर वो सड़क पर से हट जाए, पटना में आपने देखा कि जो ये बसें था डीजल पेट्रोल वाली, उसको भी हम लोगों ने हटवा दिया। उसके लिए जो बस नया खरीदेंगे उसके लिए 7.5 लाख तक की राशि हम लोगों ने मदद किया, और टेम्पू हो उसके लिए भी कन्वर्ट करने के लिए। तो सभी चीज़ों को, इस सबको ठीक कर रहे हैं, ताकि जो वातावरण में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन हरियाली मिशन है, जो 17% हम लोग को करने का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उसको हम लोग सब लोग मिल करके करेंगे, तभी इसमें हम लोग सफल हो पाएंगे। ये जो पर्यावरण है, जल जीवन हरियाली, उसके जो वातावरण में जो प्रदूषण फैला, उसको कम करने के लिए हम लोग जो पुरानी गाड़ियों के माध्यम से, जो 15 साल पुरानी है, उसके लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाए हैं। तो अभी उसके लिए 1 माह हम लोग दिए थे, तो उसमें बहुत सारा जितना एप्लीकेशन आना चाहिए था उतना नहीं आया। इसके लिए हम आम जनता से भी कहना चाहते हैं कि जो लोग इच्छुक हों, इससे एक तरह से आपका रोज़गार भी सृजन होगा और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो जो लोग बिजनेस करने के, खुद का मालिक बनना चाहते हैं, वो लोग इस स्क्रैपिंग पॉलिसी हम ला रहे हैं, और फिर इसका कुछ दिन के लिए हम डेट भी बढ़ा रहे हैं, ताकि जिन लोगों का छूट गया है वो लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम सब लोगों से अपील करते हैं। ये अभी हम इसको लगता है कि पिछले ईयर महीना आपको हम 1 माह के लिए बढ़ाए थे, लेकिन अभी हम लोग 20-25 दिन तक ज़रूर बढ़ाएंगे इसको। तो आपने सुना, परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर क्या कुछ कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि वाहनों से बढ़ती प्रदूषण को लेकर सरकार ने 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों पर स्क्रैपिंग अनिवार्य कर दी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।